और अब बात करेंगे गरियाबंद के, जहां पर जिला अस्पताल में नेटवर्क व्यवस्था से परेशान लोग अब लामबंद हो गए हैं। अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर पालिका के अध्यक्ष गफ्फार मेमन, पार्षद और नगरवासियों ने अनिश्चितकालीन धरना दिया। धरना प्रदर्शन में व्यापारियों ने अपनी दुकान बंद करके सहयोग दिया, जिससे बाजार पूरी तरह से बंद रहा। महाशिवरात्रि के दिन नगर के आसपास 4 दुर्घटनाएं हुई, लेकिन किसी घायल को एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिल पाई, क्योंकि अस्पताल की एम्बुलेंस 2 महीने से खराब पड़ी है, उसे सुधारने की कोई पहल भी नहीं कर रहा। 20 से 25 घायलों को प्राथमिक उपचार देकर घर भेज दिया गया। रायपुर रेफर किए गए 4 लोगों को स्वयं की व्यवस्था से जाना पड़ा। काफी समय से यहां नर्स, वार्ड बॉय, महिला डॉक्टर और अन्य कई सारी सुविधाओं की कमी है, जिसको लेकर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने भी किसी की सुध नहीं ली है और ये कोई पहला मामला नहीं है। आए दिन लोग अस्पताल की अव्यवस्थाओं का शिकार होते ही रहते हैं। बहुत सारी मांगे हैं, डॉक्टर की कमी है, एम्बुलेंस नहीं है, महिला डॉक्टर नहीं है, डिलीवरी के लिए सीजर ऑपरेशन के लिए कोई महिला डॉक्टर नहीं है। इतना ये तो ये कि पीएम के लिए स्वीपर तक नहीं है गरियाबंद में। कब तक रहेगा ये हड़ताल? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये रहेगा, और मेरे को ऐसा लगता है कि ये धरना लंबा चलेगा, क्योंकि प्रशासन एकदम इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा। तो गरियाबंद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लचर व्यवस्था जो है लगातार बनी हुई है अस्पताल की। ना एम्बुलेंस है और ना वार्ड बॉय है, ना महिला डॉक्टर है, जिस वजह से लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। अस्पताल तो पहुंचते हैं पर जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए वो वहां पर नहीं मिल पाती हैं। और 20 सूत्रीय मांगों को लेकर यहां पर आसपास के लोगों ने जो है धरना प्रदर्शन किया है, और उनके साफ तौर पर मांग है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है उनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। आपको बता दें, पार्षद और नगर पालिका अध्यक्ष भी इस धरना में शामिल हैं। शिवरात्रि पर दुर्घटनाग्रस्त लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिली थी, जिस वजह से लोगों में ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं अस्पताल की सुचारू रूप से सही की जाए, पर अब तक कोई सुनने वाला नहीं है और न व्यवस्थाओं को ठीक करने वाला नहीं है, जिस वजह से लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक सुविधाएं नहीं दी जाएंगी और व्यवस्थाएं सही नहीं की जाएगी तब तक इनका प्रदर्शन चालू रहेगा। और हमारे साथ नगर पालिका के अध्यक्ष गफ्फार मेमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। गफ्फू जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन रहा हूँ। जिस तरह से हम देख रहे हैं जिला अस्पताल के हाल बेहाल हैं, आखिर क्या क्या मांगे हैं वहाँ पर लोगों की और किन किन अव्यवस्थाओं को लेकर वहाँ से उनको निराशा मिल रही है? हेलो, गफ्फू जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, बोल। सुन, मेरा आपसे ये कहना है कि जिस तरह से जिला अस्पताल के हाल बेहाल हैं, कोई व्यवस्थाएं नहीं है यहाँ पर, कोई भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, ना एम्बुलेंस है, ना फीमेल डॉक्टर है, ना फीमेल की जो डिलीवरी होती है उसके लिए सीजर का वो नहीं है, लेजर दूरबीन वाला ऑपरेशन नहीं है, सोनोग्राफी नहीं है। यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि उस दिन 50 मरीज के बीच में मात्र एक डॉक्टर थे, डॉक्टर चौहान जी। वो 50 लोगों का एक्सीडेंटलों का मरीजों का इलाज कर रहे थे। 2 महीने से यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं है, 108 नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है किसी चीज की। कितना समय हो गया जो ऐसी व्यवस्थाएं वहाँ पे पसरी हुई है और लगातार कोई ध्यान नहीं दे रहा? ऐसा बताने को तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 15 साल से ऐसी व्यवस्था है, लेकिन अभी हम लोग नौ निर्वाचित अध्यक्ष में भी बना हूँ, हमारे पूरे पार्षद, पूरे युवा पार्षद है। जैसे ही हम लोग को पता चला, हम लोगों ने दौड़ के गया वहाँ, जाके देखे वहाँ की व्यवस्था को, तो हम लोग से रहा नहीं गया। हम लोग आज 3 दिन से धरने पे हैं, आज हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठ गए हैं। क्या मात्र यही एक हॉस्पिटल है और कोई हॉस्पिटल नहीं? जहाँ पर जिला हॉस्पिटल और कोई हॉस्पिटल नहीं। पहले एक डॉक्टर मेमन हुआ करते थे, वो गरियाबंद के भगवान थे, उनके जाने के बाद सिर्फ एक जिला हॉस्पिटल है, उसके बाद कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। आप बता रहे हैं इतने लंबे से व्यवस्थाएं वहाँ पे पसरी हुई हैं, गाड़ियां नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं, आखिर अब क्या मांग है आपकी, किस तरह से सुचारू की जाए चीजें और कितने लोग वहाँ पर शामिल हुए हैं? गरियाबंद में पहली बार मतलब ऐसा गरियाबंद कल बंद हुआ है। गफ्फू जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, सीएमएचओ हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नवरत्न जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, थैंक यू। गरियाबंद जिले की हम बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल है जिला अस्पताल,
जहाँ की व्यवस्थाएं एकदम हम देखें तो लचर हो गई हैं और लगातार मरीज परेशान हो रहे हैं, जो पहुंच रहा है परेशान हो रहा है, आखिर क्यों ऐसी व्यवस्थाएं हैं वहाँ की? जी ऐसा कहना गलत है, इस उसमें नहीं है। उस समय 108 एम्बुलेंस नहीं थी, लेकिन हमने आकस्मिक व्यवस्था के तहत बुलवा लिया है, आज दूसरी 108 एम्बुलेंस आ चुकी है हमारा। और डॉक्टर हमारे हैं, उस समय एक बार में वहाँ कुछ राज्य स्तरीय वो था वहाँ कार्यक्रम, पर एक ही समय पर एम्बुलेंस भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, वार्ड बॉय भी नहीं है, एक ही समय पर ऐसा होता है क्या? डॉक्टर थे वहाँ इमरजेंसी में, किसी भी हॉस्पिटल में एक समय में एक ही डॉक्टर होता है, लेकिन बहुत मास लेवल में कभी कुछ आ जाता है तो और डॉक्टर साथ साथ के जो रहते हैं उसको बुलवाते हैं हम लोग। पर वहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं जो लोग, उनका साफ तौर पर कहना है कि एक तो एम्बुलेंस दो महीना से खराब पड़ी है, हम देखे सालों से ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो लचर हैं और लगातार लोग परेशान हो रहे हैं और आसपास कोई जिला अस्पताल नहीं है, वो कहाँ जाएं? नहीं जी, हमने अल्टरनेट व्यवस्था कराया हुआ है एम्बुलेंस का, खराब की है तो इंजीनियरिंग चीज है, टेक्निकल चीज है, खराब हो सकती है, अंतरिम व्यवस्था कराने में थोड़ी टाइम लगती है, उसको कराया गया था हमारे द्वारा। नरेंद्र जी, हमारे साथ जो मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं नगर पालिका के अध्यक्ष गफार मेमन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो खुद बताएंगे कि वो किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और साथ में जो धरना दे रहे हैं उनको भी क्या क्या परेशानी हो रही है। गफू जी, ये बिल्कुल सही में जो साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, उस दिन ये मौजूद ही नहीं थे, 1:30 बजे एक्सीडेंट हुआ, मेला घूमने गए हुए थे, 5:30 बजे सीएमएचओ आए हैं और 7 बजे टंडन जी आए हैं। टंडन जी का कहना था कि मैं अपने नाती को घुमाने ले गया था और सीएमएचओ का कहना था कि राजीव में कुछ अधिकारी आए हुए थे, उनके लिए मैं मेला में देख रेख करने गया था। और बता दूं कि 3 महीने से अगर कोई एम्बुलेंस खराब होती है उसको बनाने में टेक्निकल फॉल्ट नहीं लगता, बनने में ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन लगता है। और रही डॉक्टर की बात, एक चौहान डॉक्टर है उसके भरोसे पूरा जिला अस्पताल चल रहा है, जिला गरियाबंद के आसपास के जितनी भी वो है वो पूरे जिला अस्पताल पे डिपेंडेंट है। नवरत्न जी क्यों झूठ बोल रहे हैं, नगर पालिका अध्यक्ष का साफ तौर पर कहना है आप पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं? उनका कहना ऐसा है तो वो मैं उनकी सोच के बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम लोग जब से आए हैं कुछ व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पर नगर पालिका अध्यक्ष को जी आप कोशिश कर रहे हैं पर व्यवस्थाएं कब तक दुरुस्त होंगी, कितने समय से आप वहाँ पर पथ पर हैं और लगातार व्यवस्थाएं ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं? जी अभी हम लोग जो है 3-4 महीने से आए हैं, तब से हमारे रहते बहुत सारे 3-4 डॉक्टर अतिरिक्त हमने नियुक्त करने का प्रयास किया है, 5 एम्बुलेंस वाहन की हमारी खरीदी जो है अंडर प्रोसेस है, मार्च में मिल जाएगी, तो हम लोग प्रयास जारी है, जो किसी कारणवश कभी कभी कोई दिक्कत होती है उसके लिए। पर यहाँ पर जो अध्यक्ष कह रहे हैं उनका भी साफ तौर पर सही हम देखे तो कहना सही है, गाड़ी को इतना लंबे समय तो नहीं लगता बनने में, 1-2 दिन, चलिए 5 दिन मान लेते हैं, आप इतना लंबा समय कैसे लग सकता है आप कह रहे हैं? हाँ उसमें कुछ मेजर फॉल्ट था जिसकी वजह से नहीं हो पाया था, वो गाड़ी बन के अभी आ गई है, हमने मैनपुर विकासखंड से बुलाया हुआ था। अब कब तक दुरुस्त हो जाएंगी वहाँ की व्यवस्थाएं, क्योंकि लगातार धरने पर बैठे वहाँ पर लोगों और उनकी मांग है कि जब तक व्यवस्थाएं ठीक नहीं होंगी वो धरने से नहीं उठेंगे। नहीं, उनकी जो 17 सूत्री मांगे थी उसमें से 14 मांगे तो हमारे स्तर की थी, हम लोगों ने कर दिया हुआ है। उस समय भी अध्यक्ष महोदय बोला था हमको 3-5 दिन का समय दीजिए करके, हमने आग्रह किया हुआ था। और कुछ 2-3 मांगे हैं जो शासन स्तर की है, उसको शासन को प्रेषित की जा चुकी है संचालक स्वास्थ्य सेवाएं को, वो भी उसमें थोड़ा सा समय तो लगेगा, उसके लिए हम तो समय मांग रहे हैं। जी चलिए उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द जो अव्यवस्थाएं पर पसरी हुई हैं और वो दुरुस्त हो पाए और लोगों को सही ढंग से इलाज मिल पाए वहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अध्यक्ष जुड़े हुए थे गफू जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सतना